हाँ जी, व्हाट इज चाय? कल्चर ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट. चाय क्या होती है? पर्सनल चाय क्या होती है? एंड व्हाट इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द चाय इन थिंग्स फॉल अपार्ट. छाए रू स्पिरिट। हाँ, पर्सनल गॉड था ना, और जो अपनी चाय के खिलाफ जाता था उसका डाउनफॉल होता था. ठीक है, जो पर्सनल गॉड होता है हर इंसान का, एक मतलब ये इनकी ट्रेडिशन में एक एक सुपरस्टिशियस बिलीव था थिंग्स फॉल अपार्ट में, कि हर इंसान जो है उसका एक पर्सनल गॉड है. ठीक है, अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो वो जो पर्सनल गॉड है वो आपके खिलाफ जाके आप ही के खिलाफ एक्शन लेता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अकोनको का कैरेक्टर लेते हैं तो उसको जो है ओबेरका जो है वो क्या कहता, सॉरी क्या नाम था उस लड़के का जो उसको फादर कहता था, स्लेव बॉय जो था वो उसको फादर कहता था ना, क्या नाम है जी उस कैरेक्टर का? हाँ जी बेटा, नोए तो उसका अपना बेटा था ना, पीना एकेमेफुना जो था बेटा, वो जो है वो उसको फादर कहने लग गया था ना. तो अब जो है ये गुनाह था कि आप अपने बेटे को किल करो, रादर कि वो मुंह बोला ही क्यों ना हो, क्योंकि इसने उसको किल किया, ये अपनी पर्सनल चाय पर्सनल गॉड के खिलाफ चला गया. पर्सनल चाय ऐसे समझ लें कि ये इनका जमीर है. ठीक है, और जमीर की आवाज, मतलब मैं इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो इसी को वो पर्सनल चाय कहते थे. तो अब उसकी पर्सनल चाय ने उसके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और ओकोनको से गलत फैसले करवाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ओकोनको का डाउनफॉल होता है. ठीक है, यहाँ पे देखे ना, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ चाय इन शेपिंग ओकोनको डेस्टिनी. क्योंकि ओकोनको गुनाह दर गुनाह करता गया, इस वजह से उसकी चाय ने उसी के खिलाफ एक्शन करना शुरू कर दिया. ठीक है, वो कंफ्यूजन का शिकार हो गया. इसी तरीके से फिर हम देखते हैं कि वो वीक ऑफ होली वीक के अंदर जो है वो अपनी बीवी को मारता है. ठीक है, तो फिर फाइनली क्या होता है, इन रिएक्शन उसकी पर्सनल छाए जो है वो उसके खिलाफ जाती है. और एक दिन क्या होता है कि उसकी जो गन होती है वो एक्सप्लोड कर जाती है, जाके वो वहां के किसी लड़के को लग जाती है और जिसकी वजह से उसको एग्जाइल कर दिया जाता है. ठीक है, और इसके अलावा भी और बहुत सारी ऐसी ओकोनको ने गलतियां की थी जो कि उसकी पर्सनल चाय के खिलाफ जाती थी. फॉर एग्जाम्पल, वो एरोगेंट था और उसकी जो चाय है यानी कि उसका जो पर्सनल गॉड है वो ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर रहा था. ठीक है, उसकी एरोगेंस, उसका एंगर, उसकी ये सारी चीजें जो है उसमें क्या था कि उसकी पर्सनल चाय उसके खिलाफ जा रही थी. तो दैट इज बेसिकली द थिंग फॉल अपार्ट के अंदर जो एक कल्चरल कॉन्सेप्ट था या एक सुपरस्टिशियस बिलीव था कि अगर कोई इंसान गुनाह करता है तो उसकी जो पर्सनल चाय है वो इसके खिलाफ रिएक्ट करना शुरू कर देती है. तो दैट इज द बेसिक थिंग कि उसकी पर्सनल चाय जो है वो असल में उसके खिलाफ काम करने लग गई थी, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ. फिर एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक थिंग्स फॉल अपार्ट. अकोनको ने अपने आप को क्यों मारा था? एनी वन क्लास, क्यों मारता है अकोनको अपने आप को? टीचर बुरी तरह उसकी शिकस्त हो रही थी। हाँ जी, उसकी शिकस्त. देखें, अकोनको इसलिए अपने आप को मारता है क्योंकि जब उसको ये लगता है कि उसका अपना कल्चर उसको डिफेंड नहीं कर सकता, उसका अपना कल्चर उसको वीक कर गया, क्योंकि अकोनको रिप्रेजेंटेशन था अपने ही कल्चर की. तो जब उसने ये देखा कि उसके अपने लोग उसके अपने कल्चर उसके लिए स्टैंड नहीं कर सके, तो उसने बजाय इसके कि उसने कहा कि मुझे ये जो है यहाँ की अदालतें जो हैं, जो अंग्रेजों की अदालतें हैं वो मुझे फांसी लटकाए, उससे बेहतर है कि मैं खुद अपने आप को फांसी लटका दूं. लेकिन ये भी उसने अपनी पर्सनल चाय के खिलाफ जाके काम किया, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सिन था. और फाइनली फिर ये हुआ कि उसको किसी ने दफनाया भी नहीं, बल्कि उसी दरख्त के साथ लटका रहने दिया उसको, कि अब ये जो गॉडेस ऑफ अर्थ है वही उसके साथ जो करेगी वही को होगा. अच्छा जी, द आइबो रिलीजियस कल्चर कंसिस्ट ऑफ चाय द पर्सनल गॉड एंड मेनी अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस. बेटा, आइबो का कल्चर जो है ना, चाहे वो विमेन के हिसाब से देखा जाए या फिर वो थिंग्स फॉल अपार्ट के हिसाब से देखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आप लोगों ने इसके पर्सनल चाय, जिसको पर्सनल गॉड कहते हैं, अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस, हाँ जी, कौन कौन सी गॉड्स एंड गॉडेसेस थी और व्हाट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डज सच अ रिलीजियस प्रोवाइड व्हेन कंपेयर्ड विद योर ओन थिंग्स वाला पार्ट.
ठीक है, हाँ जी, व्हाट एडवांटेजेस? अब आप रिलीजन क्या प्रोवाइड करते हैं? आप देखिए बेटा, ये दो क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, थिंग्स फॉल अपार्ट में से, और एक आता है हार्ट ऑफ डार्कनेस में से. पिछले 2-3 सालों में ना इन्होंने चेंज करना शुरू कर दिया है. हार्ट ऑफ डार्कनेस में से मस्ट 2 आते हैं अभी जो है. कभी कभार जो है ये ट्विलाइट में से भी 2 दे देते हैं, किसी और नॉवल में से भी 2 आ सकते हैं. ठीक है, अब जरूरी नहीं है. अच्छा जी, व्हाट इज द रोल ऑफ विमेन? बेटा ये रिलीजन वाला क्वेश्चन ना मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा रह गया था, ये मैं आपको अलहदा से करवाती हूँ, ये आपके करंट नोट्स में भी नहीं है. व्हाट इज द रोल ऑफ विमेन इन थिंग्स फॉल अपार्ट? हाँ जी, रोल ऑफ विमेन क्या था जी थिंग्स फॉल अपार्ट में, बताइए. क्लास, रोल ऑफ विमेन क्या था जी? रोल ऑफ विमेन, वो अपने, हाँ जी इसका नायला, रोल ऑफ वुमेन ये था कि वो कंफाइंड करती थी अपने डोमेस्टिक कॉसेस के लिए। ठीक है, उन्होंने इसके अलावा अपने मर्दों के साथ खाना बछाना शाम तक काम करना होता था खेतों में, ठीक और मकई फलियां और बीन्स एक और चीज थी टीचर, और इसकी वो फसल तैयार करती थी। और इसके अलावा वो उन लोगों पर ये बात लागू थी कि उन्होंने जो फैसले वगैरह होते थे उनमें सिर्फ मर्द फैसले किया करते थे, औरतें उन फैसलों में बोल नहीं सकती थी। अगर उनमें उन्होंने शामिल होना था तो एक बाउंड्री होती थी, उस बाउंड्री के बाहर रह के वो ऐसे सुनती थी जैसे कोई बाहर का बंदा, कोई ऑडियंस वगैरह हो, वो मसले मसाइल सुन सकती थी लेकिन बीच में वो बोल नहीं सकती थी। और इसके अलावा उन लोगों को मारा पीटा जाता था, जानवर जैसा एक सलूक था उनके साथ। मर्द एक मर्द ने 11 11 बीवियां, एक से ज्यादा बीवियां उन्होंने रखी थी, तो इतने इतने उनके बच्चे थे। और औरतों का काम यह होता था कि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश करनी है, उनको पालना है। अच्छा जी, यहाँ पे देख लें बेटा, एक तो पहली बात ये कि वो जी घर के अंदर जो उनके डोमेस्टिक थे, हेल्प वो अपने हस्बैंड के साथ करती थी, यैम ग्रो करना और फील्ड्स के अंदर काम करना, ये सारा कुछ. जिसकी जितनी ज्यादा बीवियां होती थी वो स्लोगन ऑफ विक्ट्री होता था, और जो जितना ज्यादा अमीर होता था वो खूबसूरत बीवी रख सकता था. उसके बाद हमने देखा कि ये बहुत ज्यादा रिप्रेस थी, इनको ब्रूटली बीटा जा बीट किया जाता था. डोरी, ठीक है, जो जितनी खूबसूरत होती औरत होती थी उसके पेरेंट्स जो हैं वो मर्द से उतनी महंगी डोरी जो है वो लेते थे, यानी कि वो अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को एक तरह से बेच देते थे. उनके जो फादर्स होते थे वो क्या करते थे कि मैक्सिमम जो है डोरी जो है वो लिया करते थे, और इस तरीके से वो अपना सारा काम करते थे, ठीक है. फिर इनके जो है बच्चे बहुत ज्यादा थे, बच्चे पैदा करने में ये लगी हुई थी और सारा दिन खिदमत करने में लगी हुई थी. व्हाई डिड एशी वी चूज टू टेक द टाइटल ऑफ दिस नॉवल थिंग्स ऑल अपार्ट फ्रॉम विलियम बटलर? क्यों उसने विलियम बटलर यीट्स की पोएम द सेकंड कमिंग से इसका टाइटल लिया? डिस्कस थिंग्स ऑल अपार्ट एज अ पोस्ट कॉलोनियल मॉडल. ठीक है, ये तो खैर दूसरा क्वेश्चन हो गया. हाँ जी, टाइटल थिंग्स ऑल अपार्ट उसने विलियम डब्ल्यू बी यीट्स की पोएम से क्यों लिया? हु वाज डब्ल्यू बी यीट्स? एनीवन क्लास, सबसे पहले आप डिस्क्राइब करें डब्ल्यू बी यीट्स और उसने क्यों लिखी थी ये सेकंड कमिंग पोएम, ठीक है, और उसमें से उसने टाइटल क्यों लिया था? एनीवन क्लास, किसी को पता डब्ल्यू बी यीट्स? हाँ जी, डब्ल्यू बी यीट्स बेटा, डब्ल्यू बी यीट्स वॉज एन आयरिश पोएट, ठीक है, और इसने ये बिल्कुल, इसका रोल ऐसे ही था आयरलैंड के अंदर जैसे अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान के अंदर, बड़े सगीर के अंदर था. इसने, विलियम बटलर यीट्स ने, डब्ल्यू बी यीट्स ने अपनी सेल्फ आइडेंटिटी की बात की थी, उसने सेल्फ अवेयरनेस की बात की थी, और उसने जो है अपने एंसेस्टर्स की बात की थी, और क्यों ये आयरलैंड जो है वो गुलाम हो गया था ब्रिटिशर्स का, ठीक है. आयरलैंड भी जो है उस पर कब्जा कर लिया था ब्रिटिशर्स ने. तो सेम इज द केस विद द अफ्रीका एट दैट टाइम. और फिर उसने उसकी जो पोएम है द सेकेंड कमिंग, उससे ये टाइटल लिया. और टाइटल क्या था इसके अंदर बेटा, आप वो पूरा लिखेंगे ना, वाइडनिंग वाइडनिंग इन द गायर, फैल्कनर कैन नॉट हेयर द फैल्कन, ठीक है, कि जो, सॉरी, फैल्कन कैन नॉट हेयर द फैल्कनर. और उसके बाद ये जो पूरा इसकी वर्ड्स है वो आप यहाँ पे लिखोगे कि वो क्या थी.
और उसके बाद बेटा फिर आप इसके पूरे टाइटल को एक्सप्लेन करोगे, उसने इसलिए यहाँ से टाइटल लिया था बिकॉज डब्ल्यू यीट्स और जो आयरलैंड के हालात थे और अफ्रीका के हालात थे वो तकरीबन एक जैसे थे, उसी तरीके से दोनों ही नेशंस को कॉलोनाइज किया गया और दोनों ही नेशंस को एक्सप्लॉइट किया गया। दैट्स वाई उसने फिर यहाँ से वो लिया और उसने बताया कि किस तरीके से जो मेन चीज होती है वो आपका कल्चर होता है, अगर कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाए तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पे उसने बताया कि जो मेन चीज थी दैट वॉज द कल्चर। ब्रिटिशर्स हमारे मुल्क में आए, ठीक है, चिनिया एचीवी का कहना है कि जब वो अफ्रीका के अंदर आए तो मेन थिंग जो उन्होंने हमारी डिस्ट्रॉय की वो हमारा कल्चर था, और जब हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया तो हम सब दूर दूर जाकर गिर गए। तो इस तरह से वो इसको थिंग्स फॉल अपार्ट को कहता है कि जी दैट इज बेसिकली द टाइटल। और फिर आप लोगों ने बताना है कि क्या क्या चीजें थी जिसने उनको होल्ड किया हुआ था और फिर दे फॉल अपार्ट। ये तो खैर मैंने आपको काफी डिटेल करवाया था। डिस्कस थिंग्स फॉल अपार्ट एज पोस्ट कॉलोनियल नॉवल। पोस्ट कॉलोनियल नॉवल के जरा ट्रेड्स बता दें क्लास, आपको मैंने काफी डिटेल बढ़ाया, बताएं जी इसके अंदर क्या क्या होता है पोस्ट कॉलोनियल नॉवल, एक्सप्लेन करें जी पोस्ट कॉलोनियल को, व्हाट इज पोस्ट कॉलोनियलिज्म। टीचर पोस्ट कॉलोनियल नावल मीन्स कॉलोनियल नावल्स के बाद जो आए कॉलोनियलिज्म हाँ के जो तबाहकारियां थी उनके जो असरात थे उन पर ये नावल लिखे गए कि उन लोगों के एरिया छोड़ जाने के बावजूद अंग्रेजों के वहां से चले जाने के बावजूद क्या असरात मुरतब हुए वो चीजें पोस्ट कॉलोनियल नावल में हम पढ़ते हैं, रिजल्ट्स पढ़ते हैं हम कॉलोनियलिज्म के। ठीक है जी, इसमें हमारा कल्चरल क्लैश आ जाता है, ठीक है, हमारा पोस्ट कॉलोनियल इफेक्ट्स आ जाते हैं, और फिर जो डैमेज है जो हुआ उस नेशन को, डैमेज डन टू द नेशन, ठीक है, ये सारा मेन जो है वो हम इसके अंदर कल्चरल क्लैश पढ़ते हैं कि क्या क्या मेन कल्चरल क्लैश था जो कि दो कौमें जो है आमने सामने आके बैठ जाती हैं, एक स्ट्रॉन्गर कल्चर और वीकर कल्चर का जब आपस में क्लैश होता है तो फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं वो दिखाए जाते हैं जी पोस्ट कॉलोनियल लॉ का। मुझे लगता है आज आप पढ़ के नहीं आए, ठीक है, या फिर आप लोगों ने थिंग्स फॉल अपार्ट देखा ही नहीं गौर से, यकीन करें ये मार्क्स गेनिंग आप लोगों का चैप्टर है, ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं हुआ। एनालाइज थिंग्स फॉल अपार्ट एज अ नॉर्मल नॉवल अबाउट ह्यूमन फेट एंड फ्री विल। हाँ जी, कैसे फेट और फ्री विल, क्या हम बताएंगे कि कैसे ह्यूमन विल और फेट दोनों इसके अंदर है। हाँ जी क्लास, अकाउंट हम्म, को ने अपने मुंह बोले बेटे को मार डाला और उसके बाद फिर उसकी छाया से नाराज हो गई, फिर उससे फेट जब उसकी स्टार्ट होती है तो उससे गलती से एक गोली लग जाती है। एक डेथ सेरेमनी पे जब वो गोलियां चला रहे होते हैं तो वहां पे उसे एक गोली लग जाती है, लेकिन गलती से गोली लगती है, तो यहाँ से इसकी फेट स्टार्ट हो जाती है। और फिर उसको निकाल दिया जाता है उस इलाके से, और लोहा उसके जिस इलाके में उसने आप अपना बताएं, आप लोहा आपने असाइनमेंट्स की हुई है ना, आप जरा बोलें, आपने तो सारी असाइनमेंट सबमिट करवाई है। थिंग्स फॉल अपार्ट एज अ नॉवल अबाउट ह्यूमन विल एंड फेट। फातिमा आप भी माइक ऑन करें बेटा, आलिया आप भी बताइए बताइए, थिंग्स फॉल अपार्ट एज अ नॉवल अबाउट ह्यूमन विल एंड फेट। रोल नहीं हो, ठीक है, तो ग्रीक कॉन्सेप्ट जो ओल्डर ग्रीक कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ फेटलिस्टिक कॉन्सेप्ट था जिसमें फेट का रोल दिखाया जाता था लेकिन फ्री विल का रोल नहीं दिखाया जाता था, ठीक है। सोफोक्लीज ने जो ड्रामा लिखा था ईडिपस रेक्स, ठीक है, वो फेट और फ्री विल दोनों पे था। जब भी बात आती है ना बेटा फेट और फ्री विल की तो समझ जाए ये ट्रेजिडी का क्वेश्चन है, समझ गए बात को, ऐसे तुक्के नहीं मारने के ये फोनको का कैरेक्टर है भाई। देखिए एक होता है ट्रेजिक कैरेक्टर, एक होता है ट्रेजेडी, दोनों का आंसर डिफरेंट होता है। आपसे यहाँ पे ट्रेजेडी पूछी जा रही है कि थिंग्स फॉल अपार्ट जो है वो नॉवल है, ठीक है, ये देखें नॉवल है, उन्होंने कैरेक्टर की बात की, आप लोग डायरेक्ट फोनको के कैरेक्टर की बात कर रहे हो,
उन्होंने कहा थिंग्स फॉल अपार्ट एज अ होल नॉवल ही ट्रेजेडी है। ये देखें, नॉवल का पूछा, उन्होंने आपसे पूछा डायरेक्टर कौन से वाला था जिसपे फेट और फ्री विल थी, जो कि ह्यूमन विल और फेट के ऊपर बना हुआ था नॉवल। ठीक हो गया, तो इट मींस क्या है, ये थिंग्स फॉल अपार्ट एज अ ट्रेजेडी है, नॉट थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर ओकोनको का कैरेक्टर तो आपसे किसी ने नहीं पूछा। यही तो आप लोग जाके पेपर्स में गलतियां करते हैं। ठीक है, ये काम नहीं करना, समझे कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट जी ट्रेजेडी लिखा हुआ है, थिंग्स फॉल अपार्ट एज अ ट्रेजेडी, ठीक है, ट्रेजेडी के अंदर फेट एंड फ्री विल दिखाई गई। फिर आप बताएंगे ट्रेजेडी की डेफिनेशन क्या होती है। हाँ जी, व्हाट इज अ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी की डेफिनेशन जनाब ये है, जो इन शॉर्ट हमने पढ़ी थी, अगर उसको बहुत ही छोटा समराइज करें, कि डाउनफॉल ऑफ अ हीरो फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी ड्यू टू हिज हमार्शिया, ये ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन है। ठीक है, और ट्रेजेडी क्या होती है, सीरियस एक्शंस होते हैं जिसमें आपका कथार्सिस होता है, आप लोगों का आप फियर पिटी एंड फियर एंड दैट लीड्स टू द कथार्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर जो है इन्होंने क्या शो किया है, और वो किस तरीके से जो है थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर फेट और फ्री विल की बात करते हैं। तो मेन उसका जो कैरेक्टर था वो कौन सा था, मेन कैरेक्टर अकोनको था। ठीक है, और कहानी जो है प्रोटैगनिस्ट के गिर्द घूमती है। ठीक है, अब आप बात करेंगे ट्रेजेडी की डेफिनेशन के बाद, क्या कौन को, कि जिसकी विल और ह्यूमन विल और फेट दोनों, फेट और फ्री विल दोनों दिखाई गई, उसकी फेट वर्सेस फ्री विल दिखाई गई। ठीक है, फिर आप आगे बात करेंगे, बेटा ये तो बहुत आसान है, कौन को का तो कैरेक्टर आता ही आता है और उसको ही घुमा के लिखा हुआ है कि जी उसकी फेट और उसकी फ्री विल। उसकी फ्री विल क्या थी, उसने अपनी मर्जी से जो है शादियां की। ठीक है, उसने अपनी मर्जी से यम को बोया, ठीक है, उसकी मैरिज, ठीक है, फिर उसको जो है एकेमेफुना को उसने बेटा बनाया। ठीक है, और फिर अब उसकी फ्री विल और क्या क्या थी, कि वो जो है इन द होली वीक, ठीक है, होली वीक के अंदर जबकि मना था कि उसने जो है उसने बीट किया अपनी बीवी को, बीट हिज वाइफ, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी छाई जो है उसने उसके खिलाफ काम किया। ठीक है, इसी तरीके से उसने एकेमेफुना को किल किया। ठीक है, ये उसकी फ्री विल थी, और उसके और फिर फेड ने क्या रोल प्ले किया, फेड ने उसके अगेंस्ट फाइनली रोल प्ले किया, उसकी छाई भी एज एन अगेंस्ट उसके, उसका जो पर्सनल गॉड, छाई उसका जो पर्सनल गॉड है, उसने भी उसके फिर एज अ पर्सनल जो गॉड था उसने उसने रोल ऑफ फेड प्ले किया, उसके अगेंस्ट उसने काम करना शुरू कर दिया। अब उसे गलतियां होना शुरू हो गई। ठीक है, उसकी फ्री विल ये भी थी और क्या क्या थी, उसकी फ्री विल क्या थी, उसकी एरोगेंस, उसका प्राइड था। ठीक है, उसका प्राइड था, ये भी उसका पर्सनल गॉड के उसके अगेंस्ट जा रही थी, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। ठीक है, ये बेटा आपने सारा लिखना है। एंड फाइनली फिर वो कहाँ जाता है, वो उधर जाता है, और ओकोनको इज ऑल्सो सिंबलाइजिंग द होल सोसाइटी। ठीक है, वो उस पूरी सोसाइटी को भी शो करता है, क्योंकि थिंग्स ऑल अपार्ट हम एज अ ट्रेजेडी देख रहे हैं, तो इसमें एज अ ट्रेजेडी के अंदर हम ये देखेंगे कि उसका जो पूरी सोसाइटी है उसका भी डाउनफॉल जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कि किस तरीके से उनका जो एक कल्चर था वो बहुत ज्यादा वीक था, अकोन को उसका जो है वो मेन प्रोटेगनिस्ट था, कल्चर उनका वीक था जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल होता है। अच्छा जी बेटा, ये जो न्यू क्वेश्चंस आए हैं जरा इनको थोड़ा सा हम सबली के क्वेश्चंस को और बाकी को हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं डिस्कस। यहाँ पे देखिए कि एच ई बी क्लेम्स दैट इन हार्ट ऑफ डार्कनेस अफ्रीका इज यूज्ड एज सेंट्रल
सेटिंग बैकड्रॉप विच एलिमिनेट्स अफ्रीका एज अ ह्यूमन फैक्टर, ठीक है, कि अफ्रीका को एज अ ह्यूमन फैक्टर शो किया गया, ठीक है। वो ये कहता है हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर अफ्रीका को यूज किया गया एज सेटिंग एंड बैकड्रॉप, बैकड्रॉप यानी कि बिल्कुल ही उसको जीरो करके शो किया गया, बहुत ही माइनर लेवल पे शो किया गया, इन लोगों को अनसिविलाइज शो किया गया, विच एलिमिनेट्स अफ्रीका एज ह्यूमन फैक्टर, जो कि एलिमिनेट कर देता है अफ्रीका को कि वो शायद ह्यूमन थे ही नहीं, वो कोई सुपरस्टिशियस लोग थे, ठीक है, और जिनको शायद पता ही नहीं था कि लिविंग स्टाइल क्या होता है या सिविलाइजेशन क्या होती है। तो वो कहता है कि अफ्रीका को एक ऐसी जगह, एक ऐसी डार्क जगह बना के जोसेफ कॉनराड ने शो किया है कि जैसे हम लोगों का अपना कोई कल्चर नहीं था, हम लोगों का अपना कोई रहन सहन नहीं था, हम लोगों का कोई एजुकेशनल सिस्टम नहीं था, या हमारी अदालतें नहीं थी, या हमारा एक लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। तो उसने कहा, उसने अफ्रीका को क्या शो किया बिल्कुल डार्क शो किया, ठीक है, एक डार्क प्लेस के तौर पे उसने यहाँ पे शो किया। फिर वहां के लोगों को उसने क्या कहा, पीपल को उसने क्या कहा, उसने उनको निजर कहा, बेटा ये मेन पॉइंट्स हैं, उसने उनको निजर कहा था, ठीक है, ब्रूट्स और अनसिविलाइज्ड उसने उनको शो किया था, ठीक है। नंबर थ्री, उसने उनके कल्चर को पे भी, कल्चर को भी कहा कि वो, और एक और यहाँ पे आएगा कैनिबल्स भी कहा था उस टाइम, कैनिबल्स यानी कि गोश्तखोर, ठीक है, तो उसने उनको कैनिबल्स कहा था। अच्छा, कल्चर उसने कहा कि वो अनसिविलाइज थे, अनसिविलाइज थे, ठीक है, दे हैव नो कल्चर एट ऑल, और वो जो है क्या बोलते थे किसी को कुछ समझ नहीं आती थी। तो इसके जवाब में फिर चिनिया एसीबी ने इन इन रिप्लाई, ठीक है, इसके जवाब में उसने फिर थिंग्स फॉल अपार्ट लिखी थी, और उसमें फिर उसने बताया कि नहीं, हमारे जो है हमारे अपने ट्राइब्स थे, हमारा अपना कल्चर था, और उसके जवाब में फिर उसने अपने कल्चर को डिफेंड किया था कि हमारी अपनी जो है एक हमारा सिस्टम था, हमारे कवानीन अपने थे, हमारा सब कुछ अपना था, लेकिन जो अंग्रेज आया उसने उस चीज के ऊपर नाइफ रख दिया। जैसे हम अमेरिका की ये कोट अक्सर कोट करते हैं कि वेस्ट ने जो है वो नाइफ रखा जिसने हमें बाउंड टुगेदर किया हुआ था, एंड वी हैव फॉलन अपार्ट, और हम दूर दूर जाके गिर गए। तो वो उसने ये बताया कि तुम लोगों ने जो हमें इंटरप्रेट किया, असल में तुम लोगों ने रॉन्ग इंटरप्रेट किया, ठीक है, असल में हम लोग जो है इस तरह के नहीं थे जिस तरह के तुमने हमें शो किया है। तो यहाँ पे जो है उसने अपने कल्चर को एक्चुअली डिफेंड किया है, तो यहाँ पे ये सारा आएगा। उसके बाद है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ टाइटल थिंग्स ऑफ फॉल अपार्ट, ये बेटा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एचईवी थिंग्स फॉल अपार्ट इज अ पोस्ट कॉलोनियल नॉवल, एचईवी का थिंग्स फॉल अपार्ट जो है वो पोस्ट कॉलोनियल, अभी हमने पोस्ट कॉलोनियल नॉवल को एक्सप्लेन किया है। थिंग्स फॉल अपार्ट एज अ ट्रेजिडी ऑफ ह्यूबरिस, ह्यूबरिस किसे कहते हैं, हाँ जी, थिंग्स फॉल अपार्ट एज अ ट्रेजेडी ऑफ ह्यूबरिस, ह्यूबरिस किसे कहते हैं, प्राइड 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 को मैम और एरोगेंस को कहते हैं। तो ये ट्रेजेडी थी ह्यूबरिस की और प्राइड की, और प्राइड में क्या होता है कि इंसान जो है वो ब्लाइंड हो जाता है, उसको राइट एंड रॉन्ग की तमीज खत्म हो जाती है, ठीक है, उसको सिर्फ ये लगता है, वो सेल्फ कॉन्शियस रहता है, लेकिन वो उसको ये समझ नहीं आती कि बाहर के लोग उससे क्या चाह रहे हैं। इसमें अगर हम देखें तो एक्चुअली एक तरफ तो ओकोनको और एक वो सोसाइटी, दोनों ही ह्यूबरिस का शिकार थे। उस सोसाइटी को लगता था कि शायद हमारे तमाम जो रूल्स एंड लॉज हैं वो बिल्कुल ठीक थे, वो सोसाइटी किसी हद तक एरोगेंस हो गई थी अपनी ट्रेडिशंस में। नंबर टू, अगर हम इसके अंदर देखें तो ह्यूबरिस जो है वो ओकोनको के थ्रू सिंबलाइज होता है, अकोन को जो है वो इतना ज्यादा जो है वो गुस्से का तेज था, एरोगेंट था, उसके अंदर एंगर बहुत ज्यादा था। इसमें बेटा अकोन को के कैरेक्टर को आप लिखेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से वो ब्लाइंड हो जाता है इन द ह्यूबरिस, और वो इस हद तक ब्लाइंड हो जाता है कि वो अपनी पर्सनल छाई, अपने पर्सनल गॉड को भी नाराज कर देता है, और वो गलती से उससे अपनी ट्रेडिशंस भी जो है वो उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपनी ट्रेडिशन को खुद फॉलो नहीं कर पाया,
बीइंग अ लीडर ऑफ द सोसाइटी, सो दैट वो सोसाइटी जो है वो क्लैश कर जाती है. ठीक है, तो ये सारा डिस्कस आइबो कल्चर इन टर्म्स ऑफ स्टेटस ऑफ वीमेन. ठीक है, स्टेटस ऑफ वीमेन के हिसाब से आपने आइबो का कल्चर बताना है. उसके अंदर हम बताएंगे कि खवातीन की क्रॉप्स कौन सी वाली थी. ठीक है, इसी तरीके से वो बच्चे पैदा करती थी, उनका डोरी का सिस्टम क्या था, उनका किस तरीके से जो है वो प्रिडिक्शन, एक वो पर्सनल गॉडेस भी तो थी ना, वो जो बच्चों की प्रिडिक्शन करती थी. ठीक है, वो भी हम इसके अंदर दे सकते हैं कि वो किस तरीके से प्रिडिक्ट करती थी और वहां के लोगों को बेवकूफ बनाती थी. मजाक कर रही हूँ, वो वहां के लोगों की प्रिडिक्शंस करती थी और वो बताती थी. इसी तरीके से हम देखेंगे कि एक फीमेल जब जुड़वा बच्चे पैदा करती थी तो वो जो है सुपर, वो समझा जाता था कि ये शायद नहुसत है, वो उसको जाके जंगल में फेंक आया करते थे. ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे बताएंगे. ठीक है, और औरत का रोल क्या था डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, वो जो है वो बहुत ज्यादा मेहमान नवाज थी, खिदमत गुजार थी, बच्चे पालती थी. एक एक मर्द, जिसकी जितनी ज्यादा बीवियां होती थी वो उतना ज्यादा कामयाब और वेल्दी समझा जाता था. जिसके पास जितनी वेल्थ होती थी वो उतनी डोरी दे के उतनी बीवियां जो है वो खरीद लेता था. ठीक है, थिंग्स फॉल अपार्ट क्रॉनिकल्स द लाइफ ऑफ अ कॉन्गो. थिंग्स फॉल अपार्ट जो है वो सिंबलाइज करती है, रिप्रेजेंट, क्रॉनिकल कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉन्गोस लाइफ. ठीक है, वो रिप्रेजेंट करती है अकोनको की लाइफ को. तो यहाँ पे जी आपने अकोनको को एज अ ट्रेजिक हीरो जो है वो बताना है. ये जी आपके बेटा आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, बट ये जो है चिनियो ऐसी भी, इसने जोसेफ कॉनराड को गालियां भी दी थी. उसने कहा कि भाई तुमने एक तो हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा है, दूसरा तुमने हमें ब्लैक्स कहा है, फिर तुमने हमें निजर भी कह दिया, फिर तुमने हमें कैनिबल्स भी कह दिया. तुमने जो हमारी इंटरप्रिटेशन की है ना अफ्रीकन की, जो वेस्ट ने की है, वो गलत की है. अगर तुम लोगों का एक कल्चर है तो हमारा भी एक कल्चर है. ठीक है, यू वॉन्ट टू थिंक दैट यू आर वाइट्स एंड यू वॉन्ट टू थिंक दैट वी आर ब्लैक्स. बेसिकली इट वॉज, ये चीनिया ऐसी भी था ना. देखिए, दो व्यू पॉइंट्स होते हैं, एक होता है यूरोसेंट्रिक व्यू पॉइंट, एक होता है एफ्रोसेंट्रिक व्यू पॉइंट. यूरोसेंट्रिक व्यू पॉइंट के हिसाब से उसने हार्ट ऑफ डार्कनेस लिख दी जोसेफ कॉनराड ने, कि यूरोप का क्या ख्याल है कि जी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कैसे हैं, अफ्रीका कैसा है, वहां का कल्चर कैसा है. उसने वहां पे जो दिखाया कि भाई वो लोग डेमी गॉड्स बना लेते हैं, वो लोग ऐसी रिचुअल्स जो है उसमें पड़े हुए हैं जो कि किलिंग्स पे मबनी है. ठीक है, बेसिकली जोसेफ कॉनराड ने ये सारी जो उनके कल्चर की जो गलत चीजें थी ना उसको उसने एक्सपोज किया था कि वहां पे ये चीजें हैं. और बेसिकली जोसेफ कॉनराड का कहने का मकसद ये था. अब अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या जोसेफ कॉनराड फिर रेसिस्ट था, जो उसने जो है थिंग्स फॉल अपार्ट उसने हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखी थी. जोसेफ कॉनराड ने ना डार्कनेस दोनों साइड पे बयान की थी. उसने अफ्रीकन कल्चर की भी डार्कनेस बयान की थी, उसने ब्रिटिशर्स की भी डार्कनेस बयान की थी. उसने कहा था ब्रिटिशर्स खुद जाके वहां पे, बजाय इसके कि उनको सिविलाइज करते, अगर वो अनसिविलाइज थे और जिसकी वजह से वो वहां पे गए थे, तो जो है वो उनको मजीद सिविलाइज करते, लेकिन ये खुद जाके वहां पे डेमीगॉड बन के बैठ गए. इस चीज पे जोसेफ कॉनराड को जो है अफसोस हुआ था कि नहीं करना चाहिए था, इन्होंने वहां पे जाके उन ब्रूट्स के साथ वेस्ट जो है वो भी ब्रूट्स बन गया. चीनिया ऐसी भी ने कहा कि देखिए वेस्ट जरूर आया हमारे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट करने के साथ साथ हमारा कल्चर भी तबाह कर दिया. ठीक है, नंबर टू, उसको सबसे ज्यादा अफसोस इस चीज का था कि जोसेफ कॉनराड ने क्यों हमारी सेटिंग्स को ब्लैक कहा है. उसने कहा ना हार्ट ऑफ डार्कनेस, और फिर वो मैप के अंदर जाके जोसेफ कॉनराड को दिखाता है, एक बहुत ही डार्क जगह है. ठीक है, तो उसने कहा कि बिल्कुल ही, उसने जो जोसेफ कॉनराड है उसने तो हमें मतलब इंसानियत से ही हटा दिया, हमें कैनिबल्स बना दिया, हमें अनसिविलाइज बना दिया, हमें निजर्स बना दिया, हमें ब्रूट्स बना दिया. तो ये जो उसने वर्ड्स यूज किए हैं थे, सॉरी, इसने कॉनराड ने, वो गलत है. फिर उसने उसके जवाब में जो है अपना कल्चर डिफाइन किया कि वी हैव द कल्चर. ठीक है, और वो ऐसे ऐसे था हमारा कल्चर, और ऐसा नहीं है कि हम नॉन ह्यूमन थे, हम भी इंसान थे,
लेकिन तुम लोगों ने असल में हमें इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया कि तुम लोगों के जाने के बाद भी हम एक्सप्लॉइटेड ही रह गए, ठीक है, और हम कभी भी जो है वो एक नहीं हो सके, क्योंकि जो बाप और बेटा दोनों के मजहब अलग अलग होते हैं, ठीक है, वहां के लोगों का जो तरीका है वो अलग अलग हो गया, जिसकी वजह से आज भी वो सोसाइटी बहुत सारे क्लैशेस का शिकार है। तो उसने फिर ये बताया था कि कोई नॉन ह्यूमन नहीं था, हमारी जो सोसाइटी थी वो बड़ी खुश थी, हम बड़ा अच्छा रह रहे थे, वहां पे एक क्लैन सिस्टम था और ये सारा कुछ था, लेकिन तुमने आके ये सारा जो है हमारा बर्बाद किया था, ठीक है। तो उसने असल में अपने कल्चर को डिफेंड किया था कि इतना बुरा कल्चर नहीं था जितना तुम लोगों ने बयान किया। और कोई क्वेश्चन क्लास?